बारिश का मौसम आने को है, लेकिन बारिश के दौरान होने वाली बीमारियों को लेकर हिसार प्रशासन अभी से अलर्ट हो गया है। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मॉनसून आने से पहले ही हिसार जिला प्रशासन ने मलेरिया और डेंगू को मात देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हर साल मलेरिया और डेंगू से हरियाणा में सैकड़ों लोगों की मौत होती है, लेकिन इस बार हिसार जिला प्रशासन मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभी से ही सक्रिय हो गया है। मलेरिया विभाग की टीमें गांव-गांव घूमकर लोगों को मलेरिया और डेंगू के बारे में जागरूक कर रही हैं। स्कूल्स में जा रहे हैं हमारे वर्कर्स, स्कूल के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, मोहल्लों में जाके एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि पानी इकट्ठा ना होने दें कहीं पे भी, और कूलर में जो पानी है उसको हर हफ्ते एक दिन ड्राई डे बना के संडे को खाली करके ड्राई करें और गंदगी ना रखें, साफ सफाई रखें। जिले में जहां भी मलेरिया के रोगी सामने आ रहे हैं वहां विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी जया गोयल के मुताबिक इस वक्त बहुत कम मलेरिया के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों में मलेरिया के लक्षण पाए जाते हैं उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, उनका विशेष तौर पर इलाज किया जाता है। इसी टाइम उसको मलेरिया की दवाई दे दी जाती है और साथ में 14 दिन की रेडिकल ट्रीटमेंट भी दे दिया जाता है। जिले में इन दो बीमारियों को रोकने के लिए हाल ही में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हेल्थ विभाग की मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। बारिश के मौसम में फैलने वाली इन बीमारियों को रोकने के लिए विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई टीमों का गठन किया है। हरे राम मिश्रा, जी मीडिया, हिसार।